हाय गाइस, वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज की वीडियो है, मैंने वीडियो बनाई थी डिसएडवांटेजेस ऑफ कमिंग टू कनाडा, और आज आई वांटेड टू शो कि क्या एडवांटेजेस हैं यहाँ पे रहने के, बिकॉज वो भी हैं। और फिर आप इजीली एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस की वीडियो देखकर डिसाइड कर सकते हो कि इज इट वर्थ कमिंग टू कनाडा। ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, जल्दी से स्टार्ट करते हैं। छोटे मोटे चीजें मैं नहीं बता रही हूँ, सिर्फ इम्पोर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। बहुत ठंड हो रही है तो अंदर जाके करते हैं। सबसे पहला पॉइंट और सबसे बड़ा पॉइंट वो है फ्री हेल्थ केयर। आपको यहाँ पे आते ही एक हेल्थ कार्ड के लिए अप्लाई करना होता है, एक गवर्नमेंट हेल्थ कार्ड होता है, जिससे कि आप यहाँ के गवर्नमेंट हेल्थ केयर प्रोग्राम में एनरोल हो जाते हो। एंड वंस यू डू दैट, आपको कभी कोई चोट लगती है, यू कैन गो टू गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स एंड गवर्नमेंट चेकअप पॉइंट्स, विल गेट कम्प्लीटली फ्री हेल्थ केयर। अगर आपको कोई बड़ी से बड़ी बीमारी भी हो जाए या छोटी सी चोट भी लगेगी, एवरीथिंग विल बी फ्री। इवन कंसल्टेशंस आर ऑल्सो फ्री। टेस्ट कराना होगा, वो टेस्ट भी फ्री होंगे। देर आर सम कॉन्स ऑल्सो। अगर सबके लिए फ्री हेल्थ केयर है तो अगर आप गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जाओगे तो वहाँ लाइन लगी होगी। देर इज अगेन अ प्रो टू इट, एंड विच इज कि सबको इक्वालिटी होती है, आएगा और पैसे देके सबसे आपसे पहले चला जाएगा। इसके पास कितने पैसे हैं उसको जल्दी अपॉइंटमेंट मिल जाएगी। ऐसे कोई केसेस यहाँ पे नहीं होते हैं। डिपेंडिंग ऑन किसको कितनी ज्यादा अटेंशन की जरूरत है, उतना जल्दी आपको अटेंशन मिलेगी। इंडिया में क्या होता है ना, पेशेंट आपका एडमिट हो गया है, 1 से 2 दिन एक्स्ट्रा भी रखते हैं, डॉक्टर्स कई बार बिना बात पे सिजेरियन करते हैं जस्ट बिकॉज सिजेरियन की अमाउंट ज्यादा होती है। यहाँ पे ना, अगर आप बोलोगे ना भी कि सिजेरियन कराएं, दे विल ट्राई देयर बेस्ट टू डू अ नॉर्मल डिलीवरी। ऐसा नहीं होगा कि अगर आपका कोई एक फैमिली मेंबर हॉस्पिटलाइज हो गया है तो यू विल हैव लॉट ऑफ लोन्स, और आपको अपनी पूरी लाइफ उन लोन्स में या फिर आपकी जितनी भी सेविंग्स थी वो सारे के सारी उस लोन को करते हुए चली जाएगी। तो दिस इज वन ऑफ द बिगेस्ट एडवांटेज। सेकेंड पॉइंट इज अगेन वेरी बिग रीजन, एंड दैट इज फ्री एजुकेशन। इफ यू आर ऑन PR और अगर आप सिटीजन हो यहाँ के, तो यू विल गेट फ्री एजुकेशन फॉर योर किड्स। बहुत ईजी है, आपको सिर्फ यहाँ पे जाके एनरोल कराना होता है अपने बच्चे को। वहाँ पे ना इंडिया में आई वर्ड इवन नर्सरी, इवन TPS, और कुछ स्कूल्स ऐसे हैं जिनके लिए पेरेंट्स को ब्राइब भी देनी पड़ती है टू गेट एन एडमिशन ऑफ देयर किड। तो यहाँ पे ना ये नहीं होता है, आपको उस तरीके की कोई टेंशन नहीं। कमिंग टू द नेक्स्ट पॉइंट, एनवायरमेंट। व्हेन आई फर्स्ट केम टू कनाडा, आई सॉ कि जब हम इंडिया में होते हैं, स्पेशली आई वाज लिविंग इन दिल्ली, तो वहां पे ना जो रेड होता था ना, रेड के ऊपर होता था, इट वाज लाइक 300 समथिंग एयर क्वालिटी, और यहाँ पे ना वो ग्रीन से भी बिल्कुल आगे रहता है, ऐसे 1-2। आप इनहेल करोगे ना वो वाली एयर, दैट सो प्योर नाइस फिल्टर्ड एयर, यू विल रियली रियली फील द डिफरेंस। और ये मैं सच बोल रही हूँ, आपको डिफरेंस फील होगा। जब आप एक अच्छी एनवायरमेंट में रहोगे, आपको एक पोल्यूशन फ्री हवा मिलेगी, अच्छा पानी मिलेगा, ऑटोमेटिकली आप कम बीमार पड़ोगे, आपकी बॉडी को बेनिफिट होंगे। नेक्स्ट रीजन है इक्वालिटी ऑफ लिविंग। आपको यहाँ पे ना इक्वालिटी पता चलेगी, एवरीबडी विल ट्रीट यू इक्वली। वेटर हो, सड़क पे लेबर हो, सब लोग एक दूसरे से बिल्कुल इक्वली बात करते हैं। ऐसा नहीं कि किसी वक्त पे गुस्सा कर दिया, चिल्ला दिया। इवन कस्टमर केयर पे अगर आप कॉल करते हो ना, आपने इंडिया में देखा होगा आप गुस्सा कर देते हो, दे आर ऑलवेज लाइक ओके ओके ओके। यहाँ पे वो सब कभी नहीं होता, दैट इज स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड। बस ड्राइवर्स वहाँ पे ये सब नहीं कर सकते। यहाँ पे इक्वालिटी ऑफ लिविंग को बहुत सीरियसली लिया जाता है। एक बार वेटर गाड़ी से उतरेंगे, दे विल डू देयर जॉब एंड दे विल गो बैक। वो ऐसा क्यों कर सकते हैं, बिकॉज यहाँ पे कोई शर्म नहीं है, कोई छोटा बड़ा वाला फील ही नहीं है, कोई आपसे गंदी तरह से बात नहीं करेगा, ना ही वो ट्रीट करेंगे। सो देयर इज नो थिंकिंग लाइक दैट कि आप छोटे हो बड़े हो फिनेंशियली। नेक्स्ट रीजन जो मैंने काफी ज्यादा फील किया है, अब जाके फाइनली यहाँ पे लोग कहते हैं ना ठंड बहुत होती है, ज्यादा दिन ठंड रहती है, बट हाँ बिना 4 सीजन आते हैं। एवरी सीजन हैज इट्स ओन ब्यूटी, स्प्रिंग, समर, फॉल, विंटर, हर सीजन में ना इतना ब्यूटीफुल लगेगा। देर आर सो मेनी एक्टिविटीज एंड सो मेनी थिंग्स टू डू, लगेगा दैट यू आर इन 4 different countries। स्नो में बिल्कुल वाइट, स्प्रिंग में इट्स वेरी ब्यूटीफुल, एकदम पिंक पिंक, फॉल ओ माय गॉड, मतलब मैं वो बता नहीं सकती। जब आप लोग यहाँ पे एक्सपीरियंस करोगे ना, देन यू विल सी इट्स आउट ऑफ द वर्ल्ड। एवरी सीजन
हैव इट्स ओन चार्म एंड ओन ब्यूटी. नेक्स्ट रीजन जो काफी इंपॉर्टेंट है, अवेलेबिलिटी ऑफ जॉब्स. बिकॉज पॉपुलेशन कम है यहाँ पे, बहुत 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 चांसेस है फॉर अ गुड एम्प्लॉयमेंट. आपको अपने आपको रिस्ट्रिक्ट नहीं करना है, मुझे तो यही जॉब करनी है, बिकॉज घर वाले क्या कहेंगे, रिलेटिव क्या कहेंगे, वो वाला सीन यहाँ पे है नहीं. आपका एक क्राइटेरिया हटा देता है, इससे जॉब वैसे भी पड़ जाती है. देयर इज सो मच डिफरेंस इन जॉब. इंडिया में मुझे पता है आईटी जॉब का सीन और भी जॉब्स का, कि लोगों को ना अगर लगता है 5-6 बजे भी चले गए ना तो यार ये तो पता नहीं क्या है, तो ऐश करने आया है, इसको तो गलत सैलरी मिल रही है. तो मैनेजर आपको गलत उससे देखेगा, और मे बी दैट विल बी योर रीजन कि आपको बोनस कम मिले, आपको रेटिंग अच्छी ना मिले. यहाँ पे ऐसा नहीं होता है. ऑफिस की टाइमिंग्स 8 to 5 या 9 to 5 है, तो 5 बजे एवरीबडी विल लॉग ऑफ एंड इट इज नॉट बैड एट ऑल. इसी से मैं नेक्स्ट पॉइंट पे आती हूँ, वो है बिजनेस. अगर आपको यहाँ पे अपना बिजनेस करना है या फिर आपके पास कोई अच्छा बिजनेस आइडिया है, देन इट इज रियली द ड्रीम प्लेस फॉर यू टू बी. बिजनेस रजिस्टर करना ईजी है, ऐसा आपको चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे बहुत सारी शॉप्स के, और ऐसा नहीं है कि यहाँ करप्शन वहाँ करप्शन, तो यहाँ पैसे दो वहाँ पैसे दो. मोस्टली चीज़ें ऑनलाइन हो जाएगी, आपको फिर से बाहर भी नहीं जाना पड़ेगा. नेक्स्ट रीजन है नेचुरल रिसोर्सेज, क्योंकि इट्स अ डेवलप्ड कंट्री. यू विल सी कि इलेक्ट्रिसिटी इंडिया में जैसे हर समय पैसे बढ़ते रहते हैं, वो नहीं है. पानी, पहली बात तो बहुत अच्छी क्वालिटी का पानी मिलेगा, नल से निकाल के आप पानी लोगे, नल से एज इन लाइक अपने वॉशरूम के वॉश बेसिन से या फिर किचन से, कहीं से भी, सो क्लीन, आप उसको पी सकते हो. ऑल्सो कोई कमी नहीं है, इवन ट्रीज की, लकड़ी की, इवन पेट्रोल इतना सस्ता है. कंपैरेटिवली हर चीज का प्राइस 3x 4x होता है, बट पेट्रोल इज सस्ता देन इंडिया. हाँ, एक और पॉइंट, ठंड. अब लोग कहते हैं ठंड बहुत होती है, सेंट्रली हीटिंग भी होती है. जब घर पे होती है ना तो मैं नॉर्मली एक टी शर्ट में होती हूँ, मैं घर पे बात करती हूँ तो बताते हैं कि यार या तो बहुत ठंड हो रही है, हाथ कर रहे हैं, बेड से निकलने में ठंड लगती है, कुछ काम करने में ठंड लगती है, वो सब चीजें यहाँ नहीं होती, बिकॉज घर सेंट्रली हीटेड होते हैं. और अगर मैंने आपको बताया नेचुरल रिसोर्स की कमी नहीं है, तो ऐसा नहीं है लोगों को कि बंद कर देंगे, नहीं आज नहीं चलाएंगे, इलेक्ट्रिसिटी के पैसे बहुत ज्यादा नहीं आ जाएंगे यार के अंदर. यू विल फील मच रिलैक्स देन इंडिया. नेक्स्ट पॉइंट मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, वो है फर्स्ट ऑफ ऑल सिक्योरिटी एंड क्राइम रेट. क्राइम रेट तो ऑब्वियसली यहाँ पे इंडिया से बहुत ज्यादा कम है. दिल्ली में स्पेशल गुड़गांव में रात को स्पेशली ठंड के टाइम में ना, आपको घर से बाहर जाते हुए स्पेशली फिर अलोन आपको बहुत डर लगेगा. वहाँ पे जितनी बार भी आज तक बाहर निकली हूँ, मुझे कभी ऐसा फील नहीं हुआ कि यार डरने की कोई बात है. यहाँ पे नो बडी विल लुक एट यू, एंड दिस इज लिटरल सबसे बड़ा रिलीफ है मेरे लिए. दीज वर माई रीजन कैनेडा के एडवांटेजेस. इसके सिवाय अगर आपको कोई और एडवांटेज लगता है जो मैं लिस्ट करना भूल गई हूँ, मेक श्योर दैट यू लीव दैट इन द कॉमेंट. एंड येस, डू शेयर दिस वीडियो टू एवरी वन हु इज यू नो प्लानिंग टू कम टू कैनेडा और हु इज कमिंग टू कैनेडा और यू नो एनी वन हु इज इवन वॉन्ट टू मूव आउट ऑफ इंडिया, बिकॉज दिस कुड बी अ रियली गुड ऑप्शन. सो या लाइक शेयर कॉमेंट सब कुछ करना है, एंड या डू शेयर योर एक्सपीरियंसेस और वट एवर यू थिंक अबाउट कैनेडा इन द कॉमेंट्स. Bye.